नमस्ते आदाब सत श्रीकाल मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो मेरे फ्रेंड्स जिनका सन राइजिंग और वीनस स्पाइसीज में हैं आइए देखें मार्च का महीना जो है आप लोगों के लिए कैसा होगा स्पेसिफिकली ये लव रीडिंग है अगर कोई और मैसेजेस आते हैं तो आई विल लेट आई विल लेट यू नो सेटिंग आज थोड़ी सी अलग है मैं मेरे टैरो टेबल और नॉट माई टैरो टेबल लेकिन जो मेरे डेक्स हैं उनको ए, अच्छे से रखने के लिए मैं एक यू uh, नो you know, थोड़ा सा फर्नीचर का काम कर रही हूँ uh, वो एरिया थोड़ी सी मैसी है इसीलिए आज मैं लिविंग रूम में रीडिंग कर रही हूँ बच्चे घर पे है किचन पास में है तो अगर डिस्टर्बेंस आता है तो दैट इज़ हाउ इट्स गोइंग टू बी लेकिन मैं चाहती थी कि uh, आज जो हैं आप लोगों की रीडिंग्स आपको पहुंचे ऑल राइट अगेन सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो आपका मून राइजिंग और वीनस uh, देखें कैफे एस्ट्रोलॉजी की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आके एंजल माइकल माई गार्डन एंजल्स एंड द यूनिवर्स होली स्पेट एंड द डिवाइन प्लीज गिव अस एग्जैक्ट मैसेजेस विच आर इन द हाइस्ट गुड फॉर माई फ्रेंड्स हु हैव द सन मून राइजिंग एंड वीनस इन पाइसीस ऑल राइट

वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी है एंड वी हैव केर्ज लव अगेन टू या थ्री मल्टीपल स्टोरी लाइन्स हैं यहाँ पर आपका ऐसा एक रिलेशनशिप होगा जहाँ पे इक्वल गिवेंट एक नहीं है एक पार्टनर जो है बहुत डोमिनेटिंग है और दूसरा पार्टनर जो है बिल्कुल ही दब गया है और सबमिसेव बिहेव करता है अगर uh, आप सबमिसिव uh, नहीं होंगे तो आपके पार्टनर जो है ये रिलेशनशिप में अपसेट हो जाते हैं केज लव है तो शायद उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जिनको लगता है कि वो एक ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ पे वो फंसे हुए हैं जहाँ पे जो है आ, उनको फ्रीडम नहीं मिलती है ये प्यार जो है उनको जकड़ के रख रखता है ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है यहाँ पे दिस लव विल बी डीपली ट्रांसफॉर्मेशनल फॉर समथिंग न्यू एंड पावरफुल टू एमर्ज ये जो प्यार है ये आपको चेंज करेगा या तो इन अ पॉजिटिव वे चेंज करेगा uh, जो भी आपकी एक्सपीरियंस है ये प्यार अगर बहुत अच्छा प्यार है तो इससे आपका लाइफ पॉजिटिव होगा अगर ये प्यार अच्छा नहीं है जो मुझे यहाँ पे दिखता है तो ये प्यार जो है इट इज़ लाइक अ लाइफ लेसन फॉर यू कार्मिक कोई आपका कनेक्शन होगा और ये प्यार के थ्रू आपको खुद के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें रियलाइजिंग रियलाइज होगी जो आपको बहुत शक्ति देगा एंड इट विल चेंज यू एज अ पर्सन फ्रेंड्स फर्स्ट की एनर्जी हैं तो शायद जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो पहले आपके फ्रेंड होंगे एंड देन वी हैव एब्सट की एनर्जी है यहाँ पे हैविंग अ ड्राई स्पेल ओके इन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो शायद एक रिलेशनशिप में है लेकिन वो रिलेशनशिप में जो है फिजिकल कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं है जिसके कारण जो है रिलेशनशिप uh, में इश्यूज आ सकते हैं ऑल राइट आपके पार्टनर की और आपकी ये रिलेशनशिप में एनर्जी क्या है एंड कनेक्टिंग एनर्जी क्या है वॉट आर योर एनर्जी इज अबाउट दिस रिलेशनशिप व्हाट आर योर एनर्जी इज अबाउट दिस रिलेशनशिप वट आर योर पार्टनर्स एनर्जी इज अबाउट दिस रिलेशनशिप आपके पार्टनर अक्वेरियस हो सकते हैं ओके वट इज दनेक्टिव एनर्जी ओके वेरी इंटरेस्टिंग आपकी एनर्जी मेरे पाए फ्रेंड्स ये रिलेशनशिप में क्या है आप ये रिलेशनशिप में हीलिंग चाहते हैं यू आर फीलिंग वेरी इमोशनल इन दिस रिलेशनशिप यू वांट अ रिकनसिलियेशन यू वांट सम सॉट ऑफ हीलिंग इन दिस रिलेशनशिप अगर ये प्यार है हम आगे जाके देखेंगे बट यू आर होपिंग कि जो भी इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं ये रिलेशनशिप को ले वो प्रॉब्लम्स में कुछ हीलिंग हो All right, आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में एनर्जी क्या है स्कॉर्पियो uh, एनर्जी है यहाँ पे एंड अगेन वी हैव द थ्री ऑफ सोर्ड्स हैं ट्रांसफॉर्मेशन का डबल कार्ड है आई थिंक एज फार एज़ योर पार्टनर गोज आई थिंक आपके पार्टनर जो हैं उनका कहीं ना कहीं दिल टूटा है वेदर आपने कुछ पास्ट में ये रिलेशनशिप में किया है जिनके कारण इनका दिल टूटा है या ये इंसान जो है इनको शायद रियलाइज़ हुआ है कि ये आपसे प्यार नहीं करते हैं या आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके कारण दे वार्ट इज ब्रोकन बट दे आर गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ आर ट्रांसफॉर्मेशन आपके इंसान का दिल टूटा है लेकिन नाउ देर इज़ समर चेंज इन देर आउटलुक towards द रिलेशनशिप ये इंसान जो है ये रिलेशनशिप को लेके काफ़ी uh, काफ़ी हर्ट हुए थे फॉर श्योर एंड ये इंसान जो है व्हाट इज़ द ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी दैट इज़ कमिंग आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप ये इंसान जो है ये रिलेशनशिप से uh, एक्चुअली फ्रीडम चाहते हैं चाहते हैं कि जो लोनलीनेस उनको ये रिलेशनशिप में फील हो रहा था या जो केज्ड फीलिंग उनको ये रिलेशनशिप में आ रही थी वो केज फीलिंग से जो है ये बाहर निकले अगेन सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा एंड दी एनर्जीज कैन बी एक्सचेंज लेकिन मुझे यहाँ पे लगता है कि एक इंसान जो है काफ़ी पोजिसिव हो सकता है काफ़ी काफ़ी डोमिनेटिंग हो सकता है और उसके कारण जो है दूसरा इंसान ये रिलेशनशिप में खुश नहीं है वॉट इज़ द लेवल ऑफ डोमिनेशन आपको पता है uh, कितना सबमिसिव हो रहे हैं कितना डोमिनेटिंग हो रहे हैं आई डोंट नो द कनेक्टिंग एनर्जी ऑफ द रिलेशनशिप इज़ फोर ऑफ़ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ की एनर्जी है लियो एनर्जी भी है यहाँ पे को डिपेंडेंसी मुझे ये रिलेशनशिप में काफ़ी दिख रही है स्टिंजी फीलिंग मुझे यहाँ दिख रहा है पैसों को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो सकता है फ़ाउंडेशन आपकी जो फाउंडेशन है या आपका जो रिलेशनशिप का जो बेस बोलते हैं वो वहाँ पे जो है मुझे थोड़े प्रॉब्लम्स दिख रही हैं ऐसा लगता है कि यू you नो know, एक इंसान ये रिलेशनशिप में ज़बरदस्ती से रुका है या ज़बरदस्ती से रुकाया जा रहा है अगेन दीज आर वेरी स्पेसिफिक एनर्जीज़ नेगेटिव रीडिंग आती है तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है करने के लिए बट ऑफ़ कोर्स किसी की तो ये सच्चाई है इसीलिए ये रीडिंग आई है अगर आपके साथ एजोनेट नहीं होता है तो नो प्रॉब्लम यू कैन प्लीज चेक योर मून राइजिंग एंड वीनस साइंस बट ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे एक इंसान जो है बहुत अनहैप्पी है रिलेशनशिप में और उनको ऐसे लग रहा है कि मुझे ज़बरदस्ती ये रिलेशनशिप में रखा जा रहा है ऑल राइट right. आपकी एनर्जी आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर के लिए आपके पार्टनर के आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं ठीक okay. hmm. है आपकी जो है ये रिलेशनशिप के लिए आपके पार्टनर के लिए फीलिंग्स क्या है दिस इज टेन ऑफ सॉर्ट्स एंड देर इज नाइन ऑफ पेंटिकल्स तो आई थिंक आप जो है माय पाइसीज फ्रेंड्स ये रिलेशनशिप जो है आपके लिए एंड हो गया है एंड नाउ यू आर लिविंग अ वेरी इंडिपेंडेंट लाइफ आप अगर शादीशुदा हैं या एंगेज uh, हैं या ये रिलेशनशिप में हैं रिलेशनशिप में हो के भी जो है आप एज़ फार एज़ यू आर कंसर्न दिस रिलेशनशिप हैज़ एंडेड और आप जो है एक इंडिपेंडेंट लाइफ जी रहे हैं लेकिन अगर आप ये कार्ड देखते हैं तो जो सॉड्स uh, हैं वो इनकी परछाई में है तो आप जो हैं uh, आपने ओपनली बताया नहीं है कि यू नो दिस रिलेशनशिप फॉर यू इज़ ओवर कहीं ना कहीं अगेन एनर्जीज कैन बी एक्सचेंज लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल में आपके मन में जो हैं ये इंसान को ले कर सब चीज़ें खत्म हो गई हैं और आप जो हैं एक इंडिपेंडेंट लाइफ जी रहे हैं कनेक्टिंग uh, एनर्जी जो है वी हैव टेन ऑफ कप्स एंड द नाइट ऑफ सोट्स आई थिंक फॉर द फैमिली घर के लिए फैमिली के लिए सोसाइटी के लिए जो है आप लोगों ने ये रिलेशनशिप में आप लोग रह रह रहे हैं यू आर ट्राइंग टू वर्क ऑन द रिलेशनशिप फॉर द सेक ऑफ द फैमिली लेकिन यू हैव कंप्लीटली चेक आउट फ्रॉम योर पार्टनर आपके पार्टनर के लिए आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है आप जो है रिलेशनशिप में भी रह के आप इंडिपेंडेंटली रह रहे हैं और आई थिंक वो जो है आपके पार्टनर को रियलाइज हो गया है इसीलिए उनका दिल टूटा है बिकॉज उनको रियलाइज हो रहा है कि ये इंसान जो है वॉकआउट हो गए हैं दैट इज वाई देर इज दिस एनर्जी ऑफ एब्सेंस ऑल्सो वेयर आई फील दैट यू नो देर इज नो फिजिकल रिलेशनशिप इन दिस रिलेशनशिप आपके पार्टनर जो है हर्मिट एनर्जी में है एंड जस्टिस में है लिब्रा हो सकते हैं आपके पार्टनर ये रिलेशनशिप को लेके जो सच्चाई है जो जायज़ है जो फेयर है जो करेक्ट है वो चीज़ ये रिलेशनशिप में चाहते हैं दिस इज द कार्ड ऑफ सेपरेशन दिस इज़ द कार्ड ऑफ डिवोर्स ऑल्सो एंड देन यू हैव द हर्मिट दोनों मेजर अरकाना कार्ड्स हैं आपके पार्टनर वर्गो भी हो सकते हैं आपके पार्टनर जो हैं वो विड्रॉ uh, हो गए हैं चुप हो गए हैं uh, यू नो दे आर रिफ्लेक्टिंग ऑन द पैटर्न्स की रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम्स थी ये चीज़ें रिजॉल्व होती हैं नहीं होंगी एंड मे बी द ओनली वे आउट इज़ प्रॉबली गेटिंग अ डिवोर्स आपके इंसान जो है उनको काफ़ी लोनली फील होता है काफ़ी आइसोलेटेड फील होता है फ्रेंड्स इनके काफ़ी कम होंगे सोसाइटी में ज़्यादा यू नो बाहर जा लोगों से बात नहीं करते होंगे खुद को जो है इन्होंने जैसे हम बोलते हैं ना कि एक साधु जो होता है वो कहीं अकेले जाके बैठता है ख़ुद को जो है इन्होंने आइसोलेट किया है और जस्टिस की वेट कर रहे हैं सोच रहे हैं कि रिलेशनशिप में जो है जो सही है जो फेयर है वो होना चाहिए और वो कैसे होगा रोमांस एंजल से देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर माय पाइसीज फ्रेंड्स ओके न्यू लव है यहाँ पे रिकनसेलिएशन है एंड मेक द एफर्ट है तो आई थिंक uh, जब मैं ये कार्ड्स देखती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि uh, यहाँ पे फ्रेंड्स फर्स्ट हैं है ना तो मुझे ऐसे लगता है कि फॉर सम ऑफ माय पाइक्सीज फ्रेंड्स आप जो हैं यू विल फाइंड अ न्यू लव इन योर लाइफ और आप जो ये uh, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप से तो आप जो है मैंटली इमोशनली चेकआउट हो गए हैं यू आर ट्राइंग टू हील योर सेल्फ जो भी ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स थी जो भी यू वेंट थ्रू यू आर ट्राइंग टू हील योर सेल्फ एंड आप जो है न्यू लव की तरफ जाने वाले हैं एंड देन यू हैव द यू हैव रिकनसिलियेशन एंड मेक द एफर्ट लेट्स सी मार्च में आउटकम क्या होगा या तो आप एक पुराने प्यार की तरफ जाएंगे जहां पे आप एफर्ट डालेंगे एक न्यू लव की तरफ जाएंगे और दे मे बी अ रिकन्सिलियेशन बिटवीन द टू ऑफ योर ओके आप जो हैं वट एक्शन आर यू गोइंग टू टेक टूवर्द्स योर पार्टनर what actions your partner is going to take towards you and what is going to be the outcome in march okay आपकी एनर्जी जो है नाइन ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है एंड द फाइव ऑफ सोट्स की एनर्जी है आप जो है बहुत डिप्रेस्ड हो सकते हैं एंशस हो सकते हैं आप जो है ये कॉन्फ्लिक्ट ये चिड़चिड़ इससे जो है आप बाहर निकलना चाहते हैं आ, मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद आपको जो है ये इंसान ने डोमिनेट किया होगा या आपको जो है दबा के रखा होगा एंड नाउ यू हैव कम इन योर पावर लेकिन कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं ये आपको काफ़ी स्ट्रेस कर रही हैं

विद द टेन ऑफ वॉन्ट्स आपके पार्टनर जो है ना ये रिलेशनशिप को ज़बरदस्ती चलाने की कोशिश करेंगे उन लोगों के साथ एसोनेट होगा जहाँ पे एक प्रेगनेंसी इन्वॉल्व है ये इंसान जो है अगेन यू नो आई रियली फील की दिस पर्सन इज़ इज़ ट्राइंग टू मेक दिस रिलेशनशिप वर्क जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप वर्क हो वो चाहते हैं कि uh, ये रिलेशनशिप में चीज़ें जो हैं सही हो और उसके लिए जो हैं वो मेहनत करने के लिए तैयार है लेकिन उनको कहीं ना कहीं लगता है कि उन्होंने उनको जो है ये रिलेशनशिप में सही नहीं हुआ है दिस पर्सन जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं दे वॉन्ट रिकन्सिलियेशन दे वॉन्ट टू मेक द एफर्ट वो ये रिलेशनशिप में शायद ब्रेकअप नहीं चाहते हैं माय गॉड वेरी वेरी स्पेसिफिक एनर्जीज़ हैं यहाँ पे जो है स्टोरी लाइन यही है कि एक इंसान जो है दूसरे इंसान uh, के साथ अब एक रिलेशनशिप में रही रहना चाहता है बहुत डोमिनेटिंग सबमिसिव रिलेशनशिप रहा है डिपेंडेंसी uh, पॉजिटिवनेस बहुत है uh, ये इंसान जो दबता था या जिस जो ये रिलेशनशिप में जिसको तंग किया गया था वो इंसान जो है अब शायद अपने पावर में आ गया है और वो एक रिलेशनशिप से निकलना चाहता है और अब जो दूसरा इंसान है वो ये रिलेशनशिप को पकड़ के रखना चाहता है और ये रिलेशनशिप में चेंजेस जाता है आ, आपके पार्टनर जो हैं दे आर नॉट गोइंग टू लेट गो वेरी इजिली अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपको ईजिली डिवोर्स देंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो फिर से जो है ट्राई करेंगे टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप आपको स्टेबिलिटी ऑफर करेंगे आपको कमिटमेंट ऑफर करेंगे uh, आपसे माफ़ी मांगने की कोशिश करेंगे और आप uh, से कहेंगे की यू नो लेट्स वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप वॉट इज़ द फाइनल आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप वॉट इज दि अर्थ uh, साइन यहाँ पे काफ़ी है टोरस वगो कैप्रिकॉर्न भी आपके पार्टनर हो सकते हैं मार्च के महीने में जो है मुझे यही लगता है कि आ, आप लोगों को जो है यही रियलाइज़ होगा कि ये रिलेशनशिप में जो है आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन यू विल फाइंड क्लैरिटी ऑन हाउ टू मूव अहेड अगेन इसका जो है वेदर यू गेट इन टू अ रिकन्सिलियेशन और यू मूव अवे सेपरेटली ये इंडिविजुअली आप पे डिपेंड होगा ऑन योर स्टोरी लाइन लेकिन जो मेरे पाइसीस फ्रेंड है उनको जो है मेंटल क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी ये रिलेशनशिप को लेके आगे कैसे जाना है और Uh, उसके लिए एग्जैक्टली exactly क्या करना है तो मार्च का महीना आपके लिए काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन वाला होगा जहाँ पे आपको रियलाइज़ होगा कि यू डोंट यू अब कोई आपको और डोमिनेट नहीं कर सकता अब आपको जो है कोई बांध के नहीं रख सकता वेरी वेरी स्पेसिफिक रीडिंग इफ दिस इज़ नॉट रेजोनेटिंग विद यू प्लीज़ चेक योर मून राइजिंग एंड वीनस ऑल राइट मूनोलॉजी से जो हम देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं राइट विन विन आउटकम इन फोकस तो आई थिंक आप दोनों जो हैं एक विन विन सोल्यूशन जो है ये प्रॉब्लम का ढूंढने की कोशिश करेंगे इमोशंस आर रनिंग वेरी हाई आई थिंक मार्च के महीने में जो है आप लोगों के इमोशंस जो हैं काफी हाई होंगे बहुत बड़ा डिसीजन होगा रिलेशनशिप में रहना है नहीं रहना है एंड दैट इज गोइंग टू बी कॉजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम कंक्लूजन्स आर विद इन रीच नतीजा जो है बहुत पास है अगर आप इमोशंस को कंट्रोल में रखते हैं तो आई थिंक uh, एक कंक्लूजन जो है एक नतीजा ज़रूर निकलेगा अ टाइम टू गिव राधर दैन टेक तो आई थिंक राइट नाउ डिवाइन यही चाहता है कि आप दूसरे इंसान का पक्ष जो है उनका भी सोचें और एक विन विन सोल्यूशन जो है फाइंड आउट करने की कोशिश करें फॉर दिस रिलेशनशिप ऑल राइट एंजल से जो है आंसर्स पूछते हैं आप लोगों के लिए ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो जिनको प्यार क्या है वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है पोजेसिवनेस प्यार नहीं होता डोमिनेशन प्यार नहीं होता किसी को आ, अपने हिसाब से बांध के रखना प्यार नहीं होता है और आई थिंक वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो हो रहा है आज क्यों एंजल्स तो आई थिंक यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड एंड गाइडेड अगर आपको कहीं पे भी कन्फ्यूजन लगता है डर लगता है तो अपने एंजल्स जो, है, अपने जो है, हैं अपने स्पिरिट गाइड्स जो हैं उनकी मदद मांगे एंड दे विल डेफिनेटली हेल्प यू रिमेन पॉजिटिव है यहाँ पे uh, पॉजिटिव रहना बहुत आप लोगों के लिए ज़रूरी है लिसन टू योर इंट्यूशन है एंड परफेक्ट टाइमिंग है तो जो uh, होना है वो एक डिवाइन परफेक्ट टाइमिंग में ज़रूर होगा अपनी इंट्यूशन जो है अपनी गट फीलिंग जो है उसको ज़रूर सोचें एंड रिमेन पॉजिटिव बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है मार्च के महीने में जो है आई थिंक इट इज़ योर बर्थडे मंथ एंड आई थिंक आप लोगों को जो है काफ़ी चीज़ें I think it is going to be a new birth for you as far as your love relationship goes. This is all I have for my friends. My Pisces friends as always. Please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get. And I will see you in your next reading. Thank you so much.